सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तू इतने जल्दी कैसे आ गया, तो वेल मुझे आना ही था क्योंकि गेम ही इतना मस्त आया है। गेम का नाम है शेडो फाइट शेड्स। अगर तुमको नहीं पता कि ये कौन सा गेम है, तो ये एक अपकमिंग गेम होने वाला है जो कि एक एक्शन फाइटिंग गेम है जिसको पब्लिश किया है नेकी ने और डेवलप किया है बेंजाई ने। ये जो है एक सीक्वल होने वाला है शेडो फाइट 2 का और प्रीक्वल होने वाला है शेडो फाइट 3 का और बहुत ज़्यादा मस्त गेम है। तुम ग्राफिक अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो कि ग्राफिक्स कितनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी इन्होंने शेडो फाइट 2 के कंपेरेटिवली। और ये गेम की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है और जो कैरेक्टर्स हमको शेडो फाइट 2 में देखने को मिले थे लाइक शेडो सेंसे वाप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही कैरेक्टर्स हमको इस गेम में भी देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि हमको वापस से फाइट करना पड़ेगा लिंक्स एक्सेट्रा से। और इसकी जो रिलीज डेट है वो अभी तक हमको बताई नहीं गई है और इसका जो बेटा टेस्ट वर्जन है वो रिलीज हुआ था सितंबर 12 2022 को। इस गेम की जो बनावट है वो बिल्कुल शेडो फाइट 2 जैसी है। ऑफ कोर्स ये सीक्वल है तो इसकी बनावट सेम ही होगी, लेकिन बहुत सारे फीचर्स हमको शेडो फाइट 3 के भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इस गेम के अंदर हमें एक नई चीज देखने को मिलती है जिसका नाम है शेड्स और इसी के ऊपर से इस गेम का नाम रखा गया है शेडो फाइट शेड्स। सो बेसिकली शेड्स जो है वो मैकेनिक है शेडो फाइट शेड्स का, जिसमें प्लेयर को एनहांसमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एडवांटेज लेने के लिए और ये बिल्कुल वर्क करता है पर्क्स और एन्चांटमेंट्स की तरह। और एक बात की मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग शेडो फाइट 3 के मार्कस प्लेन के पार्ट 3 का इंतजार कर रहे हो बहुत समय से, मतलब लगभग एक साल से। और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, पर टू बी ऑनेस्ट उस पर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं आता मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो पार्ट 2 था उस पर भी इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं आया तुम लोगों का। इस वजह से मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि अभी मुझे उस पर काम करना शुरू करना पड़ा है। और सच बताओ तो बहुत बड़ी कहानी है उसकी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा बनाने के लिए, लेकिन ट्रस्ट नहीं, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है तो जल्द तुमको उस पर भी वीडियो देखने को मिलेगी। और अब हमने बहुत बकवास कर ली तो मैं बुद्धि की बात करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेडो फाइट शेड्स की स्टोरी के बारे में। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तुमको बहुत मज़ा आने वाला है और तुमको आगे की स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। और जो बीच की स्टोरी है यानी कि शेडो फाइट 2 के बाद की और शेडो फाइट 3 के पहले की स्टोरी तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिससे सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। और एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि शेडो फाइट शेड्स जो है वो एक्ट्स में आता है। अभी तक पहला एक्ट आया है यानी कि एक्ट 1, जिसके कुछ चैप्टर्स रिलीज हुए हैं और अभी तक जितने चैप्टर्स रिलीज हुए हैं उन सबको मैं आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा मैक्सिमम। और जो बाकी के चैप्टर्स रह जाते हैं उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा यानी कि पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 तुमको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं बाकी के चैप्टर्स कवर करूंगा जो रह गए हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गेम की कहानी शुरू होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो खतरा था वर्ल्ड पर यानी कि टाइटन, अब वो डिफीट हो चुका है। शेडो और मैं वापस आ चुके हैं सेंसेस डोजो में और काम कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स टाइटन ने क्रिएट करी थी उस सबको ठीक करने के लिए। स्ले के प्रेजेंस के बावजूद, जो कि अपने चीटेड क्लाइंट से यहाँ वहाँ छुपता फिर रहा था, डोजो के अंदर शांति थी। लेकिन नाइटमेयर्स जो कि शेडो को हॉन्ट करते थे हर रात, वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि वो इतने आसानी से एस्केप नहीं कर सकता अपने पास से। जिसके बाद हम शेडो का एक सपना देखते हैं जिसके अंदर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये जगह कौन सी है। और शेडो देखता है कि आसमान में एक दरार आ चुकी है तो उसको केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ पर शेडो की उसके एक ओपोनेंट से फाइट होती है जिसका नाम है ब्लेड सिस्टर। जिसके बाद शेडो की और एक ओपोनेंट से फाइट होती है जिसको डिफीट करने के बाद शेडो एक अलग सी लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद शेडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये जगह कौन सी है और उसको किसने बनाया, और उसको लग रहा होता है कि ये सब एक इल्यूजन है और ये जो जगह है वो अनरियल है। यहाँ पर शेडो की और एक ओपोनेंट से फाइट होती है जिसको डिफीट करने के बाद शेडो वापस से उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर वो पहले था। और यहाँ पर शेडो के अंदर से एक आवाज़ आती है यानी कि उसकी इनर वॉइस, जो कि उसको कहती है कि मुझे चिंता थी कि तुम अपनी सारी फाइटिंग स्किल्स को खो दोगे जब तुम सो रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पे शेडो कहता है कि कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए। इनर वॉइस कहती है ये जरूरी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो, ये एक सपना है और तुम्हें जागने की जरूरत है। जिस पे शेडो कहता है लेकिन कैसे, मैंने तो सबको हरा दिया जिससे भी मैं लड़ा, क्या इससे कुछ बदला नहीं। जिस पर इनर वॉइस कहती है तुम अपने दुश्मन को गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, उनको हरा कर क्या फायदा अगर तुम अपने आप से ही हार जाओ। जिसके बाद शेडो की फाइट शेडो से होती है और जीतता शेडो है। जिसके बाद शेडो कहता है मैं फाइनली समझ गया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, शेडो एनर्जी लीक हो चुकी है हमारे वर्ल्ड में वापस से, है ना। जिसके रिप्लाई में उसकी इनर वॉइस कहती है मुझे पता था तुम चालाक हो, लेकिन किसको पता है कि क्या तुम अपने लव्ड वंस को बचा पाओगे। शेडो कहता है मैं और सेंसे आखिर क्या गलत हुआ है। जिसके जवाब में उसकी इनर वॉइस उसको कहती है कि अगर तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, बस उड़ जा मेरे भाई। और इसके बाद से जैसे ही शेडो की नींद खत्म होती है और वो उठता है तो शुरू होता है एक्ट 1 डिसेक्टेड स्काइज। सो अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि सेंसे और स्ले एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें सेंसे बहुत बुरी तरह से स्ले को हरा रहा होता है कि तभी सेंसे को दिखाई देता है कि वहाँ पर दूर नीडल खड़ी हुई है और आसमान में दरार बन चुकी है, जिसको देखकर सेंसे जो है वो नीडल को फॉलो करता है और उसके पीछे जाता है।
देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्ले कहता है उड़ जा मेरे भाई, उड़ जा शैडो। जिसके जवाब में शैडो कहता है कि स्ले मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, बाकी सब कहाँ पर है और मैं कहाँ पर है। जिस पे स्ले कहता है मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, बाय द वे मैं सबको यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। स्ले और शैडो की बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर मैं आती है और कहती है कि वो यहाँ पर है। स्ले सही कह रहा था कि हम सब मुसीबत में है क्योंकि आसमान के अंदर एक छेद बन चुका है और हम सभी ने सेंसे को उसके अंदर जाते हुए देखा। शैडो कहता है जरूर ये शैडो एनर्जी से कनेक्टेड होगा, मुझे देखना पड़ेगा, मैं उनको वापस ले आऊंगा। जिसके बाद मैं स्ले को कहकर शैडो को वेपन्स और आर्मर्स एक्सेट्रा देती है। और इसके बाद कहानी में आगे शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी पर सेंसे को बचाने के लिए। और इस जर्नी के दौरान उसकी अलग अलग निंजा से फाइट होती है और फाइनली वो सेंसे तक पहुंच जाता है। शैडो कहता है सेंसे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके रिप्लाई में सेंसे कहता है तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मेरा कोई प्लान नहीं है वापस आने का। शैडो कहता है तुम इन्फेक्टेड हो गए हो शैडो एनर्जी से, क्या तुम इसको फील नहीं कर पा रहे। जिस पर सेंसे कहता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जिस पर शैडो कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ पर क्या सीखा है, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इसके बाद सेंसे जो है वो शैडो के ऊपर हमला करता है और शैडो और सेंसे की फाइट होती है। और इस फाइट में शैडो बहुत बुरी तरह से मारता है सेंसे को। सेंसे कहता है मैंने शैडो एनर्जी दिया है ना, मैं कभी जंप नहीं करता नीडल के पीछे। जिस पर शैडो कहता है नीडल वो कैसे, मैं और स्ले तो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर खींचे चले आए। सेंसे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई भी ऐसा एरा गेरा दिखता हूँ जो आसमान में छेद बनेगा और मैं उसके अंदर छलांग मार दूंगा। तुम सही कह रहे थे हमें वापस से डोजो पे जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है। जिसके बाद कहानी में आगे वो वापस से पहुंचते हैं डोजो पे, जहाँ पर मैं सेंसे से पूछती कि क्या तुम ठीक हो। जिसके रिप्लाई में सेंसे कहता है एब्सोल्युटली, बस अगर शैडो और अच्छा रहा होता मेरे साथ और इतना मारा नहीं होता मुझे। मैं कहती है सबसे जरूरी चीज तुम यहाँ पर हो और किसी और को वहाँ पर जाना नहीं पड़ा। शैडो कहता है लेकिन नीडल अभी भी वहाँ पर है। नीडल वहाँ पर है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ असैसिन्स भी वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। सेंसे कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ तो देखा, शायद एक विजन, परहैप्स मुझे लग रहा है कि उस मोमेंट के लिए मैं एक बहुत बड़ी चीज का पार्ट बन चुका हूँ। मैंने ऐसा कभी फील नहीं करा इससे पहले और ये मुझे डरा रहा है। तुम वहाँ पर जाओ और पता लगाओ कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी के साथ शैडो फाइट शेड्स के एक्ट वन का चैप्टर वन खत्म होता है और चैप्टर टू शुरू होता है। सो अब चैप्टर टू में कहानी में आगे शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी पर नीडल को ढूंढने के लिए। और इस जर्नी के दौरान वो बहुत सारे निंजा से लड़ता है और बहुत सारे निंजास को डिफीट करने के बाद वो फाइनली मिलता है नीडल से। यहाँ पर नीडल उससे कहती है कि तुम यहाँ पर उस बूढ़े के पीछे जंप कर आए हो क्या। जिसके रिप्लाई में शैडो कहता है कि मैं बिना सेंसे के यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे अपने घर के ऊपर आसमान में होल्स देखना पसंद नहीं है। और ये क्या है न्यू मैजिक, किसने सिखाया तुमको ये। जिस पर नीडल कहती है ओह अच्छा तो तुमको कुछ भी नहीं पता। लिंक्स बहुत ज्यादा खुश होगा ये सुनकर, और ये सुनकर भी कि शैडो अब नहीं रहा। और इसके बाद शैडो और नीडल की फाइट होती है। नीडल एक बहुत ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट होती है और उसके अटैक्स और उसकी ओवरऑल जो वेपन्स है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यानी कि उसकी साई जो कि किसी तो भी मैजिक के साथ एन्चांटेड होती है और वो शैडो को बहुत ज्यादा डैमेज देती है, लेकिन शैडो किसी तरह से नीडल को हरा ही देता है। और नीडल को हराने के बाद शैडो कहता है कि अब बताओ मुझे कि आखिर चल क्या रहा है। जिस पर नीडल उसको कहती है तुम्हें पता है अगर ऑर्डर ये चाहता है तो आकाश भी तुम्हारा नाश कर देगा। जिस पर शैडो कहता है थैंक यू, यही सब मैं जानना चाहता था, धन्यवाद। नीडल कहती है क्या क्या बोला तूने। इसके बाद फिर फाइट खत्म हो जाती है और शैडो वापस से डोजो पे आ जाता है और सेंसे से कहता है कि सेंसे तुम सही कह रहे थे, ऑर्डर को बदला चाहिए और जो आसमान में होल बना है वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके बाद आगे सेंसे शैडो को कहता है कि मैंने स्टडी किया मैनुस्क्रिप्ट्स को डोजो लाइब्रेरी के और मुझे एक रिकॉर्ड मिला जो कि सिमिलर इवेंट्स का है और इसको शैडो रिफ्ट्स कहा जाता है। और बुक का ऑथर कह रहा है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस और अनस्टेबल है। जिस पर शैडो कहता है स्टेबल हो या नहीं मुझे वापस वहां पर जाना पड़ेगा रिफ्ट के अंदर, तुम खतरे में हो और सिर्फ मैं ही ऑर्डर को ढूंढ सकता हूँ। और इसी के साथ एक्ट वन का चैप्टर टू खत्म होता है और चैप्टर थ्री शुरू होता है। सो अब गेम की कहानी आगे बढ़ती है एक्ट वन के चैप्टर थ्री के साथ, जिसमें ऑर्डर ऑफ असैसिन्स बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक ये एग्जिस्ट करेंगे हम खतरे में रहेंगे, इस वजह से ऑर्डर को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी रीजन की वजह से शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी पर ऑर्डर ऑफ असैसिन्स के मेंबर्स को रोकने के लिए, इससे पहले कि ऑर्डर ऑफ असैसिन्स के मेंबर्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दे। और हमेशा की तरह शैडो की इस जर्नी में उसे रोकने के लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स होते हैं और ये ओपोनेंट्स होते हैं निंजा। सभी को डिफीट करने के बाद शैडो फाइनली गोस्ट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद गोस्ट में और शैडो में फाइट होती है। यहाँ पर गोस्ट कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, अब मेरा इंतकाम खत्म होगा।
और ये कहकर गोस्ट शेडो के ऊपर हमला करती है और शेडो और गोस्ट की फाइट होती है, जिसमें शेडो बहुत बुरी तरह से गोस्ट को डिफीट कर देता है। और फाइट के बाद गोस्ट कहती है, तुम मेरे पास्ट को हरा सकते हो लेकिन इस बार लिंक्स तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी रिप्लाई में शेडो कहता है, तो अब क्या, उसके एक हाथ पर चार क्लॉज आ चुके हैं, जिस पर गोस्ट कहती है, हंस लो लेकिन एक बात याद रखना कि हमें इतनी पावर दी गई है जिसका तुम सपना भी नहीं देख सकते। इस पर शेडो कहता है कि तुम गलत हो, मैं ऐसे बकवास चीजों के बारे में सपने नहीं देखता। और अब कहानी में आगे गोस्ट को हराने के बाद शेडो वापस से डोजो पे आता है और सेंसे से कहता है, मुझे पता था ये इसी तरह से होगा। इस पर मैं शेडो को कहती है, वो लिंक से क्या वो आराम से नहीं बैठ सकता, तुमने ऑलरेडी उसको दो बार मारा है फिर भी वो ऐसा कर रहा है। सेंसे कहता है, लिंक्स अपने घमंड के वजह से ऐसा कर रहा है। इसका जवाब देते हुए शेडो कहता है, और वो घमंड तुमको डराता है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा और मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ एक्ट 3 खत्म होता है और एक्ट 4 शुरू होता है। सो अब गेम की कहानी आगे बढ़ती है एक्ट 1 चैप्टर 4 के साथ। अब लिंक्स के पास कोई भी चेला नहीं बचा है छुपने के लिए और ये वक्त है अपने पुराने दुश्मन से लड़ने का। और हमेशा की तरह शेडो निकल जाता है अपनी जर्नी पर और इस जर्नी के दौरान उसको अलग अलग ओपोनेंट से लड़ना पड़ता है जो कि ज़्यादातर निंजा ही होते हैं। और सबको डिफीट करने के बाद वो फाइनली पहुंच जाता है लिंक्स तक। और यहाँ पर लिंक्स शेडो से कहता है कि मज़ा आएगा तुमको दूसरी बार मारकर, और ये कहकर लिंक्स शेडो के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद लिंक्स और शेडो की फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में शेडो बहुत बुरी तरह से हरा देता है लिंक्स को। और फाइट के बाद शेडो लिंक से पूछता है कि किसने मदद करी तुम्हारी शेडो रिफ्ट को खोलने में, क्योंकि अकेले तो तुम ये नहीं कर सकते। जिसका जवाब देते हुए लिंक्स कहता है, हाँ वो तुम्हारा ही दोस्त है दूसरी दुनिया से जिसने मेरी मदद करी, और उसको जहाजों से बहुत ज्यादा प्यार है। तुम समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शेडो कहता है, कोर्सेयर, मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि टाइटन के चेले भी इस सब में इन्वॉल्व है, लेकिन आखिर इसमें उसका क्या रखा हुआ है। जिस पर लिंक्स कहता है, सी यू शेडो, और ये अंत नहीं है। और अब इन दोनों की कन्वर्सेशन से एक बात तो समझ में आ ही गई कि वो कोर्सेयर था जिसने लिंक्स की मदद करी शेडो रिफ्ट को ओपन करने के लिए। इसी ने लिंक्स को आइडिया दिया कि शेडो रिफ्ट को ओपन किया जाए, लेकिन कोर्सेयर ने ऐसा क्यों किया ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। सो अब कहानी में आगे लिंक्स को डिफीट करने के बाद शेडो वापस से आ जाता है डोजो में। यहाँ पर सेंसे कहता है कि अगर मैं सही से समझ रहा हूँ तो कोर्सेयर के पास कोई भी रीजन नहीं है वापस आने का, तो आखिर ये चल क्या रहा है। और इसका जवाब देते हुए मैं कहती है कि इस सब के पीछे ऑर्डर ऑफ असैसिन्स है, उनको बदला लेना है शेडो से, तो हो सकता है कि लिंक्स ने किसी टाइप की डील करी हो कोर्सेयर के साथ। शेडो कहता है कि द फैक्ट कि टाइटन के जनरल्स ओपन कर सकते हैं पोर्टल्स को हमारे वर्ल्ड में, ये एक बैड न्यूज़ है, अगर रिफ्ट स्काई में रहेंगी तो हम खतरे में रहेंगे। जिस पर मैं कहती है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि टाइटन के चेलों के पास ऐसी पावर पहले नहीं थी, मुझे चिंता हो रही है। जिस पर शेडो कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे इस सब का पता लगाना होगा और मैं कोर्सेयर को ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ एक्ट 1 का चैप्टर 4 खत्म होता है और चैप्टर 5 शुरू होता है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही, और जो बाकी के चैप्टर्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट विलन कौन सा है शेडो फाइट सीरीज में से। और अगर अब तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें कहता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम करोगे नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहां से जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। हम वहां पे बहुत सारे बातें कर सकते हैं शेडो फाइट रिलेटेड और बाकी गेम्स रिलेटेड। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर and thanks for watching.